हेलो फ्रेंड्स, आपके फेवरेट चैनल एबीसी क्राफ्ट पर मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें और बेल के बटन को दबाना न भूले ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम एक फ्लावर बुके बनाएंगे जो आम तरह से जो मिलते हैं फ्लावर बुके उससे कुछ अलग तरह का होगा, बहुत ही सुंदर और आसान। तो चलिए ये देखते हैं फ्लावर बुके बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। फैंसी फ्लावर बुके बनाने के लिए देखिए, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने अलग अलग तरह के एक तो फ्लावर्स रख रखे हैं, ये देखिए आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। किसी भी तरह के फ्लावर्स जो आपके पास में हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ओल्ड सीडी, कुछ बीड्स देखिए, इस तरह से रेड कलर के बड़े बीड्स हैं, ये देखिए हैंगिंग है, इस तरह से मिलती है बहुत आसानी से। इसमें ऊपर की तरफ देखिए, इसमें पिरोने के लिए जगह भी बनी हुई है, इस तरह से हैंगिंग्स मिलती है। ऐसे ही वाइट बीड्स के मोती हैं, देखिए वाइट ट्रांसपेरेंट के हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। इसकी लटकने बहुत सुंदर से शाइनिंग आती है। साथ में देखिए ग्लास रख रखे मैंने, कोई भी अच्छा फैंसी ग्लासेस ले लीजिए या कोई स्टैंड अगर आपके पास में रखा हो तो उसका इस्तेमाल कीजिए। इन ग्लासेस को स्टैंड के रूप में कन्वर्ट करके हम आज बुके बनाएंगे कुछ अलग तरीके से। ग्रीन स्पंज जो जनरली हमारे बुकेज में आता है वही स्पंज मैंने इसमें यूज किया है। साथ में नेट का क्लॉथ, ग्रीन कलर का मैंने नेट का क्लॉथ लिया है, ग्रीन और गोल्डन है ये, कोई भी कलर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्डन सिल्वर जो कलर आप लेना चाहें वो आप इसमें लेकर बना सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हम धागा लेंगे, अंदाजे से एक धागा ले लेंगे और इसमें सबसे पहले लंबी वाली जो लटकन है उसे पिरो लेंगे। और उसके बाद में हम इसमें हमारी जो मोती है इसे पिरो कर तैयार करेंगे। तकरीबन 12-13 मोती हो या जो स्टैंड आपकी स्टैंड की हाइट हो वो हिसाब से आप मोती की लंबाई बनाएं, क्योंकि हमने इसे स्टैंड के साथ ही यूज करना है। ये देखिए इस तरीके से हम ये पूरा पिरोकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने तैयार किया हुआ है, इसमें ये आप देख रहे होंगे ये हाइट मैंने जो हमारा स्टैंड बनेगा उसकी हाइट के हिसाब से है। एक इसमें धागे में हमने कम एक मोती कम पिरोया है और एक धागे में हमने एक मोती ज्यादा पिरोया है। जैसे हमने 12 की लड़ी बनाई है और 11 की लड़ी बनाई है, ये अकॉर्डिंगली आपके स्टैंड की हाइट के है। अगर आपका स्टैंड की हाइट कम है तो आप और कम बनाएं और ज्यादा है तो आप और ज्यादा मोती पिरोएं। इस तरह से हम 16 पीस हम बनाकर तैयार रख लेंगे। आठ पीस जो हम बनाएंगे वो 12 मोती के और 8 पीस जो बनाएंगे हम वो 11 मोती के, रफली अंदाजा दे रही हूँ मैं आपको। ये देखिए हमारी सारी लटकने बनके तैयार हो गई है जिसमें हमने छोटी बड़ी लटकने मिक्स बनाई है। चलिए अब आगे से लगाते हैं। ये आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी ओल्ड सीढ़ी हमने ली है और यहाँ पर देखिए सीढ़ी के साइज से थोड़ा सा छोटा हमने एक पेपर लिया है। पेपर लेकर उस पर देखिए हमने ये मार्किंग कर रखी है, सिंपल है, पेपर को हमने फोल्ड कर दिया है। इस तरह से फोल्ड किया है मार्किंग मिल गई, इस तरह से फोल्ड किया मार्किंग मिल गई और हमने दूसरी तरफ से फोल्ड करके इसे मार्किंग ले ली है। ठीक है, इस तरह से हमने मार्किंग लेकर पूरे हमारे 8 हिस्से आपको देख रहे होंगे मिल गए हैं। ये सबसे देखिए मैं एकदम आसान तरीका बता रही हूँ आपको मार्किंग का। अब इससे आप मार्क कर ले सीढ़ी पर, ये देखिए ये हमारी मार्किंग मिल गई है हमको कि कहाँ लगाना है। देखिए इसमें 8 हमने बड़े बनाए हैं, 8 हमने छोटे बनाए हैं, तो 8 लगाने का ये मिल गया हमें, मार्किंग मिल गई है। उसी तरह इन दोनों का सेंटर है, चाहे तो आप फोल्ड करके भी सेंटर निकाल सकते हैं, अंदाजे से भी ले सकते हैं। ये देखिए ये टोटल हमें मार्किंग मिल गई हमारी सारी लटकनों को लगाने की। थोड़ी आगे पीछे होगी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये देखिए टोटल मार्किंग हमें मिल गई है
ये पेपर का भी हमें यूज करना है। ये लगाने के बाद में इसके ऊपर हम ये पेपर लगाएंगे। ये देखिए अब ये लटकन है, इसे हमने ग्लू की हेल्प से लगा देनी है। सबसे पहले हम बड़ी लटकनें लगा देंगे ताकि बीच के गैप में बाद में हम हमारी छोटी लटकन लगा सकें। ये देखिए इस तरीके से हमने ग्लू की हेल्प से पूरी लटकनों को लगा लेना है, बड़ी लटकन के बीच में छोटी लटकन। ये देखिए 8 लटकन हमने लगा दिए। उसी तरह से ये देखिए बीच में मार्किंग ली थी, अब हम एक एक उठाएंगे और इस तरीके से बीच में भी लगाते जाएंगे। इस तरीके से और जब सारी लटकने लग जाएगी तो हमारा जो एक्स्ट्रा थ्रेड है कटिंग कर देंगे और ये जो पेपर है इस पेपर को हम इस पर चिपका कर फिनिशिंग दे देंगे। ये देखिए हमारी सारी लटकन लग के रेडी हो गई है और ऊपर से हमारे फिनिशिंग आ गई। चलिए अब आगे का बनाते हैं। अब देखिए अब हमारे हम ग्लास लेंगे, हम इस ग्लास का स्टैंड बनाएंगे। देखिए बहुत आसान तरीका है, कोई भी स्टैंड नहीं मिल रहा तो उस तरह से ग्लास का स्टैंड बनाना बहुत सुंदर लगेगा। इसमें देखिए इसमें हल्का सा इसमें स्टैंड है, इसलिए हम करें क्या करेंगे, एक ग्लास को हम इस तरह से उल्टा रखेंगे, दूसरे को उस पर इस तरह से सीधा रखेंगे, तब देखिए बहुत सुंदर ये स्टैंड बन जाएगा। ये देखिए बहुत ही सुंदर ये स्टैंड, जब हम खड़ा करेंगे पूरा बना के तब देखना ये बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही सुंदर लगेगा। इस तरह से हम एक दूसरे को इसे चिपका देंगे। देखिए अगर ग्लू गन से आपका चिपक रहा है तो आप ग्लू को खूब अच्छे से तेज गर्म करके फिर इसे चिपका दीजिए, नहीं तो फेविक्विक से भी आप इसे चिपका सकते हैं और इसे चिपकाकर इस तरह से सूखने के लिए छोड़ दे, पूरी तरह से चिपक कर मजबूत हो जाएगा, फिर हम आगे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए अब हमारी हम जो सीढ़ी लेंगे जिस पर हमने सारी हैंगिंग्स लगाई थी उसे इस तरह से रख लेंगे और जो स्पंज मैंने आपको बताया था इसका देखिए मैंने इस तरह से राउंड में कटिंग कर लिया है कटर की हेल्प से और इसे हम इस तरीके से इसे चिपका देंगे सेंटर में। अच्छे से ग्लू डाल के ये देखिए इसे हमने सेंटर में चिपका दिया। देखिए शेप थोड़ी सी इधर उधर है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पूरे फ्लावर्स सब अरेंज हो जाएंगे तो सारा छुप जाएगा। और स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले हमारे नेट के पीसेस को लेकर, छोटे छोटे से टुकड़े को लेकर नेट के। ये देखिए इस तरह से नेट के हम छोटे छोटे हमारे टुकड़े लेंगे और इस तरह से फ्लावर जैसा बना लेंगे और टूथपिक की हेल्प से हम सबसे पहले नीचे नीचे के हिस्से में इसे लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, तो इससे हमारी ये जो सीढ़ी का हिस्सा है वो भी छुप जाएगा, स्पंज है जो वो भी छुप जाएगा। इस तरह से पूरी लेयर हम सबसे पहले इसे ग्रीन कलर के हमारे नेट से छुपा लेंगे। आपको नेट और कलर का कोई यूज करना है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे गोल्डन है, रेड है। ये देखिए इस तरीके से हम चारों तरफ एक राउंड पूरा हम पहले नेट का लगा लेंगे। ये देखिए चारों साइड में हमने नेट लगा दी है। अब हम क्या करेंगे इसे डेकोरेट करने के लिए, देखिए इस तरह के फ्लावर्स लिए, कोई भी तरह के, मैंने सिंपल आपको रोज फ्लावर बताया था, कोई भी तरह के फ्लावर्स आपके पास में हो तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का फ्लावर लिया, उसमें मैंने टूथपिक लगा दिया है, ठीक है, ताकि लंबाई थोड़ी बढ़ जाए और इसे हम सेंटर में, ये देखिए सेंटर में इसे हम प्रेस करेंगे और थोड़ा हाइट ऊपर रखेंगे। आप देख रहे होंगे एकदम नहीं चिपकाया मैंने, थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है और बाकी फ्लावर्स को हम इसके आसपास, देखिए देखिए पूरा राउंड में हमने लगा लिया है। इसी तरह से हम ना फ्लावर्स से इसे पहले पूरा फिल कर देंगे। देखिए थोड़ा अलग टाइप का हम बना रहे हैं, इसमें हमने बीच बीच में नेट वगैरह यूज नहीं की है, पिलर्स हम लगाएंगे लेकिन पहले हम पूरा फ्लावर्स से इसे कवर कर देंगे। ये देखिए
ये क्रो हमने ऊपर ऊपर का पूरा लगा लिया है, अब नीचे का बचा हुआ है। और साथ में देखिए फिलर, आप देख रहे होंगे ये वाले फिलर हम इसमें यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अब हम नीचे के स्पंज को कंप्लीट फिल करेंगे। तो देखिए उसके जैसा हमने और फ्लावर लिया है, थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा इसलिए हमने कलर थोड़ा लाइट था इसलिए चेंज किया है, नहीं तो चाहे तो सेम कलर से भी पूरा कवर कर सकते हैं आप इसे। और इसे देखिए इस तरह से आप नीचे की तरफ लगा दें, ये देखिए इस तरह मैंने लगा रखा है। कहीं बहुत गैप आ रहा है तो हम हमारे ये वाले फ्लावर लगा के इसे फिल कर सकते हैं, साथ में हमारे ये फिलर को हम यूज करेंगे इसके अंदर। ये फिलर जो भी गैप अभी जगह अगर आपको दिख रही है फ्लावर लगाने के बाद में, सब जगह हम हमारे फिलर्स लगा देंगे और पूरे गैप को भर देंगे। बहुत अगर ग्रीन स्पंज दिख रहा है तो थोड़ा हम ग्रीन कलर का नेट को भी यूज करेंगे। इस तरह से हम पूरा इसे कवर करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा पूरा फ्लावर बुके बन के रेडी हो गया है। चारों तरफ से देखिए हमने पूरा इसे जगह जगह फिलर दिए हैं, कहीं कहीं मोती लगाए हैं, इस तरह से पूरा इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसे फाइनली हम हमारे स्टैंड पे अरेंज करेंगे। देखिए हमारा स्टैंड भी प्रॉपर पूरा चिपक गया है, आइए अब इस पर अरेंज। ये देखिए हमारा बुके रेडी है, हमारा स्टैंड रेडी है। अब इस पर अरेंज हमें करना है, पूरा हमारा बुके उठाएंगे हम और देखिए इस पर फेविक्विक की हेल्प से हम इसे पूरा चिपकाएंगे इस तरह से। सेंटर पर ले लेंगे हम हमारी सीढ़ी को और इस तरह से पूरा हम चिपका देंगे और सूखने के लिए इसका इंतजार करेंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर बुके रेडी हो गया है पूरा। कितने आसान तरीके से इसे हमने बनाया और कितना सुंदर लग रहा है आप देख रहे होंगे। जैसे मैंने घर पे मेरे सेंटर टेबल पर होम डेकोर के तौर पे भी रख रखा है, इसे आप भी रख सकते हैं। और साथ साथ में मैं आपको एक और आइडिया इसमें देना चाहूंगी कि अगर आप फ्रेश फ्लावर से बनाना चाहें तो इसे फ्रेश फ्लावर से भी बना सकते हैं बिल्कुल इसी तरह। जहां मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर यूज किया है वहीं आप फ्रेश फ्लावर का इस्तेमाल करके इसे बना सकते हैं, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं, होम डेकोर के तौर पे भी रख सकते हैं। देखिए फ्रेश फ्लावर के साथ ना बना के अगर आप इसी तरह आर्टिफिशियल फ्लावर के साथ बनाएंगे तो हमेशा यादगार रहेगा ये आपके लिए भी, और जिसे भी आप गिफ्ट करेंगे उसके लिए भी एक यादगार चीज होगी जो हमेशा सजाएंगे अपने घर पे और आपको याद करेंगे। अगर आपको मेरा आज का फ्लावर बुके पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलते हैं कुछ और नया लेके, तब तक के लिए बाय।